रायपुर के सेजबहार डोमा स्थित आनंद उत्सव ध्यान केंद्र में अभिभावकों और बच्चों के लिए विशेष मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। साथ ही अभिभावकों के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप भी हुई। ध्यान केंद्र में दिल्ली से आई हीलर और पेरेंटिंग काउंसलर उषा ठाकुर ने अभिभावकों को सिखाया कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अच्छे पेरेंट्स बनना है। तो वहीं दिल्ली के ही विशेषज्ञ संतोष भारद्वाज ने मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप का संचालन किया और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के फायदे भी बताए। आयोजकों के मुताबिक मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग के लिए जरिए बच्चों के मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय किया जाता है जिससे बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं या फिर रंगों को बिना देखे पहचानने जैसी अद्भुत क्षमता उनमें आ जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद अभ्यास से बच्चों की याददाश्त जबरदस्त बढ़ जाती है और साथ ही बच्चे बेहद तेज गति से पढ़ाई कर सकते हैं। कार्यशाला में बच्चों ने आंखों में पट्टी बांधकर रंगों को पहचानने और अक्षरों को पढ़ने का प्रदर्शन भी किया। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से उससे पहले एक हम टेस्ट करते हैं बच्चों की ब्रेन इनबॉर्न पोटेंशियल टेस्ट, जिसको हम डॉक्टर बीट टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट से बच्चों का फिंगरप्रिंट लेते हैं, उससे पता चलता है कि उसकी जन्मजात प्रतिभा क्या है और जन्मजात प्रतिभा के अनुकूल उसको हम फिर उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रेन एक्टिवेशन और फिर माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे एक साधारण बच्चा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब आप अच्छे कपल होते हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छे पेरेंट्स डेफिनेटली बनेंगे। हम लोग अपने आनंद उत्सव ध्यान केंद्र में बेसिकली जो काम करते हैं, जीवन की प्रयोगशाला के रूप में इसको हमने डेवलप किया है। तो इसमें एक तो पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी, एक्सेस बार, थीटा हीलिंग, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हम यहाँ पर रेगुलर निरंतर कराते रहते हैं।